सो भाई ऑटो वाले भैया ने हमें ड्रॉप कर दिया यहाँ पे फ्रॉम इनसाइड रोड, और कह रहे हैं जो भी है यही है, यहीं चढ़ जाओ। सो नाउ लेट्स एंड मास्क इससे ज़्यादा थक रहे हैं, इससे ऑक्सीजन स्टॉप होता है। मेरे को तो वैसे भी लगा के खड़े खड़े दिक्कत होने लगती है, तो फॉगर बहुत देर से यहाँ तो स्टेयर चढ़ के आए, मतलब भाई पसीने निकल आए। अच्छा सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, हम जा रहे हैं वहाँ पे। Just see the view from here. You can see the whole, if not whole, at least one side of the whole city. Covered in sweat. What a place. अगर यहाँ नहीं आता ना तो खमाम देखना अधूरा रह जाता। I am standing and it looks like this. वो भी घूमने का स्पॉट है। There are three main spots. एक ये था फोर्ट, एक there is one नरसिम्हा टेम्पल, there is this lake. तो तीनों जगह हम लोग जाएंगे। So Kamaam Fort is done. यहाँ उतरने का भी है। So we can go till there and see. हम चढ़े हुए हैं यहाँ पर। This is Kamaam. 360 डिग्री से हम ऊपर चढ़ गए। टेंस बारे में तो मतलब लुढ़कते हुए नीचे जाना है मुझे। सो यहाँ पे मेरे को बच्चे मिले हैं। तुम्हारा नाम क्या बेटा? साजिद। तुम्हारा? चैतन्य। चैतन्य पांडू एंड आतिम आतिफ। ओके तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी बोलते हो? हिंदी बोलते हैं। हाँ लोकल लोकल लैंग्वेज क्या है यहाँ पे? उर्दू है। दूसरा लैंग्वेज बोलते हैं उर्दू के अलावा? आंध्रा और समथिंग तेलुगु। तेलुगु ओके तेलुगु है। बाय बाय, हैव अच्छे से पढ़ाई करो, हैव अ गुड फ्यूचर और बॉडी बनाना बड़े हो गए मेरे से अच्छी। ओके सबसे बुरा पता क्या होता है? मैंने टॉकिंग 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 इन द कैमरा, दो मिनट बाद कैमरा ऑफ हो जाता था, पता चलता है कि अरे रिकॉर्डिंग तो ऑन ही नहीं थी। जैसा अभी मेरे साथ हुआ, आई वाज टॉकिंग अबाउट हैविंग वांट टू हैव कोल्ड ड्रिंक। बगर किधर है भाई? मेरा इधर गायत्री होटल के पास। एक बार बॉडी दिखाओ ना आपकी, देखता हां भाई। आप तो बच्चा देख रहे, देख रहे आप पे देख रहे, दिखाओ एक बार बॉडी दिखाओ भाई। ठीक है बॉडी दिखाओ। हेलो देख नहीं हो अपनी बॉडी पापा घर की। तो चिल्ड्रंस कोई करे पाइस ऑफ दिखाओ, अगर ऐप दिखाओ तो ये चल रहा है। तो लॉट ऑफ पीपल हैव गिवन कॉम्प्लीमेंट्स यहां पे। दिस
फील अ लिटिल गुड. मुझे नहीं पता मैं कहाँ चल के जा रहा हूँ, बट चले जा रहा हूँ. आई वाज टॉकिंग अबाउट क्रेविंग्स. जब यू आर इन द प्रेप वीक ना, तो बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही होती है. लाइक आमंड बटर की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, बट अब जब मैं कुछ भी खा सकता हूँ तो मुझे कोई क्रेविंग नहीं हो रही. वैसे इनसे वे पूछ रहा था, एंड भाई जान इज़ वेरी हेल्पफुल इन शॉपिंग. जो बाहर छोड़ रहे हैं, बाहर कह रहा हूँ, बाहर छोड़ रहे हैं. आपका नाम क्या है भाई जान? अब्दुल अहद है मेरा. अब्दुल अहद. अब्दुल अहद जी. अब्दुल अहद ब्रदर, बहुत लगा नाम लेख मुझे नाम नहीं पता सही से. भाई जान मेरे को ड्रॉप कर रहे हैं. तो भाई जान हमें लेके आए हैं यहाँ पे लेख पे. ये जो है वोटिंग के लिए रहे. अच्छा, वोटिंग के लिए. ओके, वोटिंग के लिए रहे. अब नहीं, जो ब्रिज बन रही केबल ब्रिज बन रही है तो उससे जा सकते हैं. नहीं, बंद है अब तो रास्ता. ओके, होटल. भाई जान ने मेरे को ड्रॉप कर दिया. भाई भी हैं उनके साथ. आपका नाम क्या हुआ? अवेश खान. अवेश खान. अवेश खान भाई हैं. और आपका क्या नाम है? आपका हम से यूट्यूबर है. अच्छा, आप लिए मेरा नाम. ये भी एक ब्लॉगर है. ओके, ही इज अ ब्लॉगर टू. तो मेरा नाम वैभव है. वैभव आपने सारे बहुत अच्छी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो अपने हमारी होटल है, हमारा होटल का रिव्यू कर दो. अच्छा, ये अपना होटल है. आई एम सेइंग हियर यार, वेरी बहुत अच्छा होटल है. सर्विस बहुत अच्छी है, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा स्पाइसी है. और यहाँ पर आपको फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं होगा. खम्मम जो है ना बहुत अच्छा है, तेलंगाना सिटी आपके लिए. आपको कैसा लगा? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा. यहाँ के लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं. बहुत ट्रूली आज मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है. भाईजान मेरे को कहाँ फोर्स से पहले लेक पे लेके गए, फिर लेक से मुझे यहाँ लेके आए. यहाँ पे ना हम आपको ऐसा रहेगा ना, कोई न्यू बंदा यहाँ पे विजिट कराना तो क्यों बोलता हम ट्रैवलिंग करते हैं. मैं भी एक ब्लॉगर हूँ, क्योंकि ट्रैवलिंग पे देखते रहता कोई मदद नहीं करेगी. क्या नया आया तो इसका फ्रॉड करने के लिए देखते पहले. हाँ. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है. खम्मम में बहुत फ्री है. यहाँ के तेलंगाना के लोग जो है ना बहुत मिलते जुलते रहते आपसे. और आपको बहुत अच्छा लगा शायद सबसे. बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है आयान अली ऑफिशियल से. तो हमारे को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. कुछ वर्क पेंडिंग है, वो वर्क होने बाद भी बहुत अच्छा रहेगा खम्मम. तो फिर एक बार हमारी इच्छा है कि फिर एक बार आप विजिट करो हमारे. मैं तो चाहूँगा कि फटाफट मुझे ऑप्शन मिले दोबारा आने का यहाँ पे. और इतने प्यार देने वाले भाई लोग मिल गए मुझे यहाँ पे. खम्मम की बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यार देने वाली याद हम सबके मन में और हम छाप हम सबके मन में छोड़ के जा रहा है कि डेफिनेटली कभी भी खम्मम का या तेलंगाना का नाम आएगा तो हमारे मुंह पे हमेशा स्माइल आएगी और हमें हमेशा आप लोग याद आओगे. आपके पास तो छोटा है मेरा. ठीक है, दिस इज माय भाई सर. एक्चुअली मेरा मैंने मनाली जाके था. इट्स हार्ड यार, टाइट कर रखा है. एक्चुअली मैंने मनाली जाके था 1 month के लिए, जिम रोक गया तो इसलिए मेरी बॉडी अभी नहीं डाउन रही है. डाउन बॉडी को कहा जाता है, किराए का घर होती है. आप रेंट देते रहो, डाइट देते रहो, एक्सरसाइज देते रहो तो टिक रहेगी. जब आप डाइट वगैरह सब छोड़ दिएगे ना तो अभी आपको छोड़ के चले जाता है वो बॉडी कहते हैं. बॉडी और एब्स कहते हैं गर्लफ्रेंड की तरह होती है. मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. और पेट जो होता है वो वाइफ की तरह होता है. वो हाथ तो चले हाथ तो जाता है पर जाता बड़ी मुश्किल से. फैट लॉस पे बैठे ना, कटिंग पे बैठेंगे ना तो माँ कसम दो सर दिख जाएगी भाई. वो वर्कआउट्स पे और डाइट पे पूरी जिंदगी एक लगा देना पड़ता है. और डाइट वगैरह करने में बहुत लगा देना पड़ता है. बहुत लगाना पड़ता है. मैं तो करके आ रहा हूँ यार, 1.5 महीने से 15-20 दिन से नमक बंद है. 1.5 महीने से 2 महीने से एक बात बोलूँ आप सबको कि सब बोलते हैं बॉडी देख के, ये देख स्टेरॉइड ले लिया, ये देख इतनी अच्छी बॉडी बनाया, सब स्टेरॉइड लेके बनाया बोलते हैं. बट उसके पीछे कितनी मेहनत रहेगी कोई भी नहीं जानता भाई. एक बार एक मतलब आप लोग कार्डियो वर्कआउट करके देखो, मालूम होगा कार्डियो क्या चीज़ है, कार्डियो के पीछे कितनी मेहनत होगी और वो डाइट के पीछे कितनी मेहनत होगी. ऐसी बॉडी बनने में ना माँ कसम बहुत सारी टाइम लगता है. बहुत साल भैया भैया स्ट्रगल करके रहते कि कितना इनका जो है ना मेहनत हुई इस बॉडी पर. कितने साल से आप लोग कर रहे हैं? मैं 2007 से कर रहा हूँ. 2007 से कर रहे हैं भैया. तो आज से 12 साल की बॉडी है भाई की. इनकी कितनी मेहनत है उसमें उनको मालूम है. तो यहाँ पे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन पे मैंने यहाँ पे दो लोग के साथ स्टे करा, दो नाइट स्टे करा. वो लोग के जरूरत जो भी थे सब करा मैं, चिकन वगैरह सब वो लोग को प्रोवाइड करा. और जो है ना वो लोग बॉडी के लिए ना डाइट नहीं दिए तो वो
फीलिंग बहुत ऐसा हो जाएगा कि वो लोग का एनर्जी डाउन, एनर्जी लेवल्स डाउन होते रहते। अब लोग स्टेरॉइड स्टेरॉइड बोलते हैं, उसके पीछे ये लोग का बहुत मेहनत रहेगा। एक दिन में भी ना वो लोग का एक ही मील मिस हो गया ना, वो लोग बहुत लेजी फील होते। सही है ना, बात कर रहा यूट्यूब पर, अभी इनका ब्लॉग में बात कर रहा, मेरा गला जो है सूख जा रहा। ये लोग चार पाँच दिन से पानी वगैरह नहीं पी पी। गाइस एंजॉय दिस वीडियो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, जितना हो जाएगा उतना शेयर करो। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। तो भाई का जो भी चैनल है और आगे लेके जाओ भैया को, कांटेक्ट देखना, पूरा वर्ल्ड देखना भैया को, इतना इतना चाहते हैं हम आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। एक ब्लॉगर जो है ना, ब्लॉगर की स्ट्रगल मेरे को ही मालूम है। तो ये वीडियो बन रहा और उसके बाद कितने नाइट्स हो गए एडिट करने में, म्यूजिक लगाना, थोड़े बातें कट करना होगा, बहुत स्ट्रगल होते रहता लाइफ में। मतलब एक घंटे, अगर आप एक घंटे की रिकॉर्डिंग करते हो तो उसमें से मैक्सिमम 7-8 मिनट का फुटेज निकलता है। सो मच, थैंक यू सो मच भाइयों, और बाकी आपने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया। मेरा नाम अयान अली है, आपका नाम? मतलब सिलाहाज है। सिलाहाज है, ये तो आपको बहुत हेल्प करे शायद। ये तो बहुत है, थैंक यू सो मच भाई जान। अरे कोई बात नहीं भाई यार, थैंक यू, मदद करना है। लव यू ब्रो। सो भाई आ गए हैं होटल में वापस। सो प्लान तो खाली फूड का था, उसके बाद मंदिर जाने का था, बट भाई जान मिल गए। एक तो मंदिर जगह, जस्ट वॉचिंग द यूट्यूब, उसमें एक दो शॉट अपने लिए आए हैं, मतलब लाइक वॉकिंग इन द मेंस फिजिक लाइन ऑफ दैट इज ऑन यूट्यूब, आई शेयर दैट टू ऑन माय इंस्टाग्राम। सो बाकी अपना ऑर्डर जस्ट प्रेस करता हूँ। दिस इज चिकन पिज्जा एंड दिस इज करी शेक। सो वी आर बैक एट द स्टेयर्स अगेन, दिस इज द वे टू द मंदिर। मैंने जितना कार्डियो नहीं करा था पिछले 3-4 दिनों में, रेस्ट करा उतने मुझे आज भगवान कार्डियो करा रहा है। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ मैं सुबह से, इतना ऊपर नीचे उतर रहा हूँ। मैंने ऑर्डर किया स्पेशल प्रॉन्स बिरयानी, बिरयानी यहाँ की स्पेशलिटी है तो बिरयानी खाते हैं। सो दम बिरयानी दिस इज हैदराबाद सिटी। मिस्टर नागराजू हमें लेके जा रहे हैं अभी कुछ खिलाने। क्या खिलाने लेके जा रहे हैं सर? आप कबाब खिलाने लेके जा रहे हैं? तो ये मेन सिटी के अंदर लेके जा रहे हैं आप? ये जो आईटी कंपनी है। आईटी? आईटी कंपनी। आईटी कंपनी? अच्छा, वहाँ पे आईटी कंपनीज है क्या सारी? हाँ, बहुत सारे आईटी कंपनीज। अच्छा, ये बंजारा हिल्स है? ये पूरा यहाँ से सीधे स्टार्ट है। ओके, इसका बंजारा हिल्स का नाम बहुत सुना है। ये थोड़े पॉश जगह है ना, थोड़ी सी स्टार्ट है यहाँ से, बहुत जगह है। ओके, कम से कम एक
20 किलोमीटर तक पूरा अराउंड सिटी है, बांजारा जुबली गच्चीपुली मादापुर हेडेक्चेरी। ओके, ये पूरा पॉश एरिया है। तो मर्सिडीज का शोरूम भी यहाँ पर। 3 बेडरूम फ्लैट है सर, 5 करोड़। यहाँ पर कितने का? 5 करोड़, 3 बेडरूम फ्लैट। 3 बेडरूम फ्लैट 5 करोड़ का। हाँ, जुबली में मेन ताज कृष्णा है, सिटी अच्छा। में सेंटर है। ओके, होटल ताज कृष्णा। अच्छा, ये ताज होटल्स की चेन होगी। ताज होटल, ये ताज कृष्णा है, ये राइट साइड वाला ताज दिख रहे, थोड़ा अंदर रहता है। ओके, वो नहीं दिखता है वो। अच्छा, ये पूरा जाड़ा का अंदर है, ये पूरा ताज वाला है। ताज का ताज दिखन, ताज कृष्णा और ताज बंजारा है। ओके, तो तीन है यहाँ पे ताज के। तीन ओनली बंजारा है। ये राइट साइड वाला जीविका मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है। ये हयात प्लेस, होटल हयात। तो सारे आई थिंक पॉश होटल सारे इसी लाइन में ही हैं। अच्छा, इधर अपना हाँ हाँ अल्लू अर्जुन, अच्छा उसका घर यहीं पर है। ओके, पीछे 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 गली पूरे प्रभास, वो पूरे इधर रहते हैं। नागार्जुन वगैरह, नागार्जुन प्रभास, नाग चैतन्य उसका बेटा, पूरा यही सर, ये पूरा एरिया उन लोगों के है। ये इधर गली राइट में, ये इंडियन लोग बाजू गली में अल्लू अर्जुन रहता है, इंडियन ऑयल के बगल में, पीछे पीछे गली में। ओके, ये जुबली बोलते हैं। अच्छा, नंबर 45। ओके, आप तो बालाकृष्ण सुनाऊंगा। बालाकृष्णन ये अपोजिट बगर उन्हीं का। अच्छा, तो इस वाले एरिया के पीछे कह रहे हो आपके सब एक्टर्स का घर है। हाँ, ये लाइन के पीछे। ओके, ये जो मैं बोला ना उसके पीछे, अभी ये लाइन पे राइट साइड गया तो पूरा फिल्म शॉट में घर रहते हैं, जैसा चिरंजीवी है, नागार्जुन है, प्रभास है, सारे इधर ही है, सारे इधर ही है सर। अभी तो ये पूरे किधर गए ना सर। हाँ, अभी महेश बाबू हाँ हाँ, देख दुबई में से। हाँ, अच्छा वो तो अभी ये कोविड रोड के पास से वहीं होंगे सब। हाँ, ओके, तो ये आप देख सकते हो अल्लू एंटरटेनमेंट, ये ऑफिस है अल्लू अर्जुन का। जो आजकल जो नहीं भी जानते होंगे, वो भी एक नई मूवी आई है उसके चक्कर में बहुत जान गए, उनको बहुत फेमस हो गए और ज़्यादा। ये ब्रिज नया बना सर, 2 साल हो गया। अच्छा, ये केबल ब्रिज बोलते हैं सामने। ओके, नीचे लेक रहता है। अच्छा, इसमें नीचे लेक है, लेक के ऊपर केबल ब्रिज। ये मॉल है सर, बहुत बड़ा मॉल है सर, इनऑर्बिट मॉल। इनऑर्बिट सारे, तभी इसका नाम हिल्स है, हैं? हिल्स हो गया। अच्छा, ये ओरिजिनल पहाड़ ये थे यहाँ पे जो काटे। हाँ, ये बहुत बड़ा था, बहुत ऊपर, बहुत पहाड़ था सर, ये बहुत तोड़ तोड़ के बना है, सिटी बनाया है पूरा। तो आईटीसी कोहिनूर सर, नेशनल होटल। ओके, तो आई किया, ये जिसको नहीं पता है फर्नीचर का बहुत बड़ा शोरूम होता है, और ये जापानीज है, और ये इंडिया में शायद एक ही है बस। यहाँ ओके, पैराडाइज वर्ल्ड्स फेवरेट बिरयानी। तो भाई ये हमारे हैं राजू भैया, ये इनका है कार का नंबर। He was not coming inside, he was too shy to come inside. But I said कि नहीं यार, आप मेरे को लेके आ रहे हो, इतना घुमा रहे हो, तो आपके बिना मैं अंदर नहीं जाऊँगा। ये है नागराज, जो नाउ विदाउट मास्क आप देख सकते हैं। ये हैं, ये मेरे को लेके आए हैं यहाँ पे, घुमा फिरा रहे हैं। जितना आप देखेंगे ना, जितना भी फुटेज दिखा रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, वो भैया दिखा रहे हैं मेरे को। अब ये मेरे को पैराडाइज लेके आए हैं, तो चलिए मेरे को यहाँ बताइए क्या अच्छा है ना।
ऊपर भी प्यारी बच्ची और पूरा भैया कह रहे हैं मेकअप वगैरह का इसको बहुत ज़्यादा शौक है। उनका नाम आपने बताया धनीश्री। हाँ धनीश्री है सर। भैया मुझे बता रहे थे अपनी स्ट्रगल के बारे में बता रहे थे कि कैसे भैया ने क्या क्या किया है अपनी ये टैक्सी ओन करने से पहले। दूसरी जगहों पर वर्क करा है वो करा है, नाउ ही इज़ प्राउडली वर्किंग फॉर हिमसेल्फ और मतलब बहुत इंस्पायरिंग है भैया आपकी स्टोरी भी। आपने इतनी मेहनत करी है बेटा। बेटा इसका नाम ऋतिक है। ऋतिक नंदन। ऋतिक नंदन। फिर ऋतिक नंदन एक नाम है या दो नाम? ऋतिक नंदन। तो अब मैं और राजू अन्ना निकल रहे हैं यहाँ से, ये मेरे को एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे कबाब का है, बस 6-7 फ्लेवर थे, दो ट्राई करे बट बहुत अच्छे थे जो भी उन्होंने मेरे को खिलाए। तो अगर मेरी तरह एंजॉय करना है आपको तो हैदराबाद नेक्स्ट टाइम आओ। तो आपको मैंने बंदा दिखा दिया है, इनको कांटेक्ट कर लेना, नंबर है ही आपकी स्क्रीन पे, इनको कांटेक्ट करना और ये आपको पूरा घुमाएंगे। उन्होंने मुझे नेक्स्ट टाइम मुझे भी कहा है कि आप एक दिन का टाइम निकाल के आना, नेक्स्ट टाइम जब हैदराबाद आओगे मैं आपको और अच्छे से और ज़्यादा जगह पर लेके जाऊँगा। जो स्ट्रीट फूड मैं इनसे कह रहा था अभी वहाँ टाइम नहीं है जाने का, तो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो वहाँ भी मेरे को लेके जाएंगे। So, Raju Anna has dropped us at the airport. In the airport now. So, you can hear. The airport kam shopping center jyada lagta hai. Main abhi mall ke andar aa gaya. शॉपिंग मॉल दिखा रहा हूँ। बरिस्ता KFC Subway everything is here. Burger King Chroma का स्टोर भी है यहाँ पे। और क्या चाहिए लाइफ में, एयरपोर्ट में घुस जाओ सब कुछ यहीं मिल जाएगा। तो अभी अपने को ढूंढने का वॉशरूम। एयरपोर्ट बॉडी बिल्डर ट्रेनिंग हियर, जहाँ भी जाओ एयरपोर्ट में बॉडी बिल्डर्स मिल जा रहे हैं। नॉट रियली हंग्री आफ्टर ईटिंग कबाब टेस्ट करने का मन था। ऑर्डर्स वन कॉफी चिकन। रिलैक्स मोड में है क्योंकि हमारा जो ट्रेन है दैट इज़ इन द मॉर्निंग एट अराउंड 5:40 के आसपास हमारी ट्रेन है। 5:30 बजे हमें स्टेशन पहुँचना है और अभी इट्स 2, तो अभी हमारे पास हैं 3.5 घंटे। ब्रेड पकोड़ा वाज वेरी टेस्टी, सो वी आर हैविंग वन मोर।
होगा उसके साथ रुद्रपुर में तो बारिश हो रही है एज आई हैव बीन टोल्ड, तो वहाँ जाके आइसक्रीम खाने का तो सीन बन नहीं पाएगा, तो आए थोड़ी यहाँ नहीं बारिश वगैरह नहीं है, ठंड नहीं है, तो यहाँ से ही अपना मन पूरा करके चलते हैं। एयरपोर्ट से बाहर कैब आ रही है, गोइंग टू द कैब और फिर गोइंग टू रेलवे स्टेशन ट्रेन नाउ तापी एक्सप्रेस। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी शेडो से नहीं मिला हूँ, जेक से मिल लिया बट शेडो से नहीं मिला हूँ, तो मैं शेडो को अभी आपको बोलूँगा कैसे खोल लें, मुझे आके मिलेगा और आपको दिखाता हूँ मिलता कैसे।